चलिए स्टार्ट करेंगे सेकेंड क्लास आज की तो कल की क्लास आप लोग पढ़ चुके हो और जिन लोगों ने कल की क्लास अटेंड नहीं की थी वो लोग यूट्यूब पर वो क्लास ऑलरेडी डली हुई है आप उसको अटेंड करेंगे ठीक है और जिन लोगों को यूट्यूब की लिंक नहीं मिल रही है नंबर नोट ऑफिस में करवा दें वहाँ से आपको यूट्यूब की लिंक और कल का नोट्स पी फाइल जो है वो भेज दूंगा उसको आप नोट कर लें शुरू से पढ़ोगे तो चीज़ें समझ में आएगी बीच में से अगर पढ़ोगे तो दिक्कत फेस करनी पड़ेगी तो आज जो नए बच्चे उनको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है ज़्यादा नहीं थोड़ी सी तो वो क्या करेंगे घर जाके कल की क्लास वीडियो देख के आएंगे और आज का वीडियो भी भेजूंगा तो हो सके तो दोनों वीडियो एक साथ देख लेना यहाँ भी पढ़ रहे हो घर भी देख सकते हो तो कल जो हमने पढ़ा था उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर हैं जो कि हम लोग सॉल्व करेंगे ठीक है तो पहला सवाल आपके पास देखो क्या है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एलेवन नेचुरल नंबर इंग्लिश मीडियम वाले सारे हो हिंदी मीडियम तो नहीं कोई बैठा है यहाँ पर अरे हिंदी मीडियम वाला है कोई चलो तो पहला सवाल आपके पास है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर कौन बच्चा मुझे इसका आंसर बता सकता है तुम में से कौन बच्चा इसमें से मुझे पेन चलाओ फटाफट बैठना नहीं है फर्स्ट इलेवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं क्या आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं एक से लेके इनफाइनेट तक वन टू थ्री फोर फाइव पर हमें कितने चाहिए केवल इलेवन चाहिए और उनका हमें क्या करना है सम करना है तो तुम में से कौन बच्चा ऐसा है जो करके बता देगा फर्स्ट फर्स्ट इलेवन नेचुरल नंबर पहले तो इलेवन नेचुरल नंबर क्या होते वन टू थ्री फोर कहां तक ऐसे ग्यारह तक होगा ग्यारह और तुम्हें क्या निकालना है इनका सम निकालना है तो सम कैसे निकालोगे वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस ऐसे कहां तक कौन बच्चा बता देगा इसका आंसर कितना आया तुमने सीखा था ना शुरू में ये क्या आंसर आया गलत आंसर है चेक करो फिर से फिर से चेक करेंगे और आंसर बताएंगे बताओ भाई कोई है जो जोड़ के बता देगा एक से ग्यारह तक की गिनती को आराम से जोड़ो जल्दी नहीं है सीखना है पैसेंस के साथ सीखेंगे जल्दबाजी में नहीं सीखना है आप भैया पेन निकालेंगे फिर बुक खोलेंगे जब हम क्लास में बैठते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखा करो कि पेन कॉपी मैथ्स की बुक ये सब आपके सामने रखी होना चाहिए अब मैं अगर मैथ्स की बुक का कोई क्वेश्चन की बात करूँगा तब आप बुक निकालने बैठोगे एक से लेके ग्यारह तक की गिनती जो है उसके सभी नंबरों को जोड़ के बताना है जोड़ना आता है ना भाई साहब बताओ 66, और कोई क्या नाम है आपका आउनी ने आंसर दिया है छाछट कितने बच्चे इससे एग्री हैं जिसका आंसर सिक्सटी सिक्स आ रहा है आउनी ने बोला है कि इनका जो आएगा वो सिक्सटी सिक्स आएगा और कोई जिसका दूसरा आंसर आ रहा हो या यही आ रहा हो क्या भाई जोड़ ही नहीं रहे हो तुम तुमको कैसे जोड़ते हैं वन प्लस टू थ्री थ्री प्लस थ्री सिक्स सिक्स प्लस फोर टेन प्लस फाइव फिफ्टीन प्लस सिक्स ट्वेंटी वन प्लस सेवन ट्वेंटी एट प्लस एट थर्टी सिक्स प्लस नाइन फोर्टी फाइव प्लस टेन फिफ्टी फाइव प्लस एलेवन सिक्सटी सिक्स कितना आया सबका छाछट आ रहा है कोई ऐसा भी है जिसको जोड़ते ही नहीं आ रहा है क्लास टेंथ में भाई साहब हम लोग तो आप लोगों ने ऐसा किया होगा हाँ चलो आप लोगों ने ऐसा किया होगा कि सर वन प्लस टू थ्री थ्री प्लस थ्री सिक्स और ऐसे आप जोड़ते जोड़ते कहाँ तक गए ग्यारह तक तो आपने आंसर क्या लिखा छाछ सिक्सटी सिक्स लिखा पर मुझे एक बात बताओ अगर ये नंबर ग्यारह ना होके सौ तो होते ये गिनती ग्यारह तक ना होके कहाँ तक होती तो फिर क्या ऐसा जोड़ना पॉसिबल था टेन तक जोड़ लिया फिर आप इलेवन जोड़ते फिर ट्वेल्व जोड़ते फिर थर्टीन फिर फोरटीन फिफ्टीन ऐसे फिफ्टी फिफ्टी वन तो क्या ऐसा पॉसिबल था क्या ऐसे जोड़ पाओगे आप लोग तुम्हें लगता है मन में कि मैं जोड़ लूंगा सौ तक की गिनती को नहीं जोड़ पाएंगे तो अगर हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन सौ तक की गिनती को जोड़ने का होगा तो हम क्या करेंगे तो वहाँ पर ध्यान दो हम लोग एक फार्मूले का यूज़ करेंगे पहले मैं फार्मूला बता रहा हूँ फिर मैं बताऊँगा फार्मूला बना कैसे ठीक है तो सम जब भी आपको निकालना हो किसी भी कंटिन्यू सीरीज़ का ये कंटिन्यू सीरीज़ है कोई चीज़ है जो कंटिन्यू चली जा रही है वन टू थ्री फोर फाइव है ना तो कभी भी कोई कंटिन्यू सीरीज का सम करना हो तो हम लोग क्या करेंगे हमेशा सम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट 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 नंबर लेंगे हम लोग और कौन सा लेंगे लास्ट और उसको क्या करेंगे हाफ फार्मूला क्या लिख रहा हूं मैं फर्स्ट नंबर मतलब वन लास्ट नंबर मतलब इलेवन तो ये आपका फर्स्ट नंबर रहा ये नंबर रहा लास्ट और इनका जो सम करके क्या करना है हाफ करना है इन में करना है हमें नंबर ऑफ डेटा ये कितने डेटा है इलेवन डेटा है तो अगर आप ऐसे करते हो तो भी आपको आंसर मिलेगा आपको वैसे जोड़ने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी तो अब हम लोग लिखेंगे फर्स्ट नंबर क्या है बोलो जरा वन वन प्लस इलेवन कितना हो जाएगा ट्वेल्व ट्वेल्व का हाफ करेंगे तो सिक्स और नंबर ऑफ डेटा कितने हैं ग्यारह तो आंसर कितना आ गया छाछट तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा आसान है जो पहले आपने किया उसके कंपेयर में क्या समझ में आई बात वैसे जोड़ने पर भी छाछट ही आएगा अब आपके मन में सिर्फ एक डाउट रह गया है कि सर ये फार्मूला आया कहाँ से क्या इसको हम रट लें बिल्कुल नहीं हमको इसको भी समझना पड़ेगा फार्मूला बना कैसे और ये चैप्टर वन में मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि चैप्टर वन में हमें नंबर्स के बारे में पढ़ना था चैप्टर फाइव में भी आपको इस फार्मूले का यूज़ आएगा आपका जो चैप्टर फाइव है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वहाँ पर भी इसका यूज़ होगा तो यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है तो यहाँ पर हमने इन नंबरों को जोड़ा अब समझ लेते हैं हम ये कि इसका सम हो कैसे रहा है एक्चुअल में ये सम चल कैसे रहा है इस चीज़ को हम समझ लेते हैं तो मैं इस फार्मूले को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भाई फार्मूला आया कैसे फार्मूला कैसे बना तो फार्मूले को अगर हम एक्सप्लेन करें तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पर वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन अगर मुझे इतने नंबरों को जोड़ना हो तो मेरे पास दो तरीके हैं मेरे पास क्या है दो तरीके हैं जोड़ने के पहला तरीका मेरे पास जोड़ने का क्या है क्या पैसे जोड़ो वन प्लस टू थ्री प्लस थ्री सिक्स प्लस फोर टेन प्लस फाइव फिफ्टीन प्लस सिक्स प्लस सेवन तो आपका आंसर कितना आया ट्वेंटी एट पर इसमें हमने बेसिक तरीका जो होता है वो किया और वो छोटा बच्चा भी अगर कोई करेगा तो ऐसे ही करेगा या ना पर अगर हम यहाँ पर दूसरा लॉजिक देखें तो जो तुम्हें दिख रहा है ना बेटा तुम्हें ये क्या दिख रहा है लिखा हुआ तुम्हें दिख रहा है One, two, three, four, five, six, पर अगर आप इसको मन की आंखों से देखोगे तो मन की आंखों से क्या दिखेगा क्या दिखेगा क्या दिखेगा मन की आंखों से मिडिल नंबर मन की आंखों से देखा गया नंबर मन की आंखों से मन की आंखों मतलब एम तो मन की आंखों से मुझे यह दिख रहा है कि सब ये चार चार लिखा हुआ है तुम्हें नहीं दिख रहा है पर मुझे क्या दिख रहा है कि सर देखो ये फोर है ये भी 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 फोर है और ये भी फोर है तो अगर फोर फोर सेवन टाइम एड करना हो तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ फोर इंटू सेवन नहीं समझ में बात ठीक है अच्छा फोर फोर को आपको टेन टाइम जोड़ना हो एड करना हो फोर प्लस फोर प्लस फोर तो आंसर कितना आएगा फोर्टी फोर प्लस फोर प्लस फोर टेन टाइम है इसका मतलब फोर इंटू टेन हो गया वो आ रही बात समझ में थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री टेन टाइम हो तो थ्री इंटू टेन हो गया हाँ या ना तो इसको जोड़ना आसान है इसके कंपेयर में इसको जोड़ने के हाँ या ना कोई सेम नंबर को बार बार अगर एड करना हो तो वो आसान होगा डिफरेंट डिफरेंट नंबर को जोड़ने के बजाय अब आपके मन में एक डाउट फिर रह गया कि सर जो हमें वन टू थ्री दिख रहा है वो आपको फोर कैसे दिखा मन की आंखों से कैसे दिखा तो खुली आंखों से आपको यह दिखेगा आपको तो मन की आंखों से, से जो नंबर दिखता है ना वो हमेशा की होता है मिडिल में भी हम आता है तो आप एम से समझ जाओगे मिडिल नंबर या मन की आंखों से देखा गया नंबर अब ये तो फोर है तो फोर दिख रहा है पर ये फोर कैसे बना तो आपने यहां से क्या कर लिया एक कैरी ले लिया एक उधार ले लिया यहां से इस फाइव के पास से अगर आप एक कैरी लोगे तो हम बचेगा कितना तो ये वाला फोर हो गया आ रही बात समझ में और इसके पास से जो हमने कैरी लिया था वो इसको दे दो तो थ्री है एक हमने इसको दे दिया तो यहाँ कितना हो गया फोर इसके पास से टू कैरी ले लो तो यहाँ कितना बचेगा और जो टू आपने लिया वो किसको दे दो टू को दे दो फोर हो जाएगा इसके पास से थ्री ले लो और किसको दे दो वन को तो है चीज़ें वहीं गई कहीं नहीं है वो सारे नंबर अभी भी वही है चाहे आप इसको इकट्ठा करो चाहे आप इसको इकट्ठा करो सम वही आएगा क्योंकि है वही गया कोई कुछ कहीं नहीं है पर हमने उसको डिफरेंट तरीके से देखा केवल देखने का नजरिया बदला नंबर वही के वही इकट्ठा करोगे तो वही आएगा हाँ या ना तो जो आपको वन टू थ्री दिख रहा था वो मन की आंखों से क्या दिख रहा है फोर 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 और एक बात समझ में कि मन की आंखों से क्या दिखता है मन की आंखों से जो मिडिल में होता है वो दिखता है ठीक है तो मन की आंखों से देखा गया नंबर तो हम लोग फार्मूले को कैसे बना सकते हैं अगर इसी को मैं फार्मूले में कन्वर्ट करूं तो ये सम निकाला हमने सम इक्वल टू फोर क्या था बेटा फोर क्या था मिडिल नंबर था मतलब किसी सीरीज का मिडिल नंबर मन की आंखों से देखा गया नंबर तो मैं लिख सकता हूं मिडिल नंबर सम इक्वल टू मिडिल नंबर या ना क्या था ये डेटा कितने थे seven. तो नंबर ऑफ डेटा को हम से डिफाइन करते तो ये आपका फार्मूला बना क्या बना फार्मूला क्या बना फार्मूला अगर आप एक से लेकर ग्यारह तक की गिनती को जोड़ रहे हो बेटा तो एक से लेकर ग्यारह तक में सबसे बीच में क्या आएगा सबसे बीच में क्या आएगा छह आएगा तो अगर मैं यह फार्मूला लगाऊं मिडिल नंबर इन टू नंबर ऑफ डेटा तो मिडिल नंबर क्या है और डेटा कितने हैं तो आंसर कितना आ जाएगा तो आपको जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी <coughs> चलो एक और एग्जाम्पल छोटा सा लेता हूँ एक छोटा सा और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग ताकि आपको चीजें और बेहतर क्लियर हो पाए क्या आप लोगों ने कैलेंडर देखा है देखा ही होगा ठीक है तो ये रहा भाई साहब कैलेंडर दिख रहा है तुमको अब इस कैलेंडर में एक अच्छी बात क्या है ना इस कैलेंडर में एक अच्छी बात आपको देखने को मिलेगी हम लोगों ने सम निकालना सीखा आपने कैलेंडर तो बहुत देखा होगा पर ऐसे नहीं देखा होगा जैसे मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको ध्यान देना यार बेटा ये जो नंबर दिख रहा है तुमको इस डब्बे के अंदर जितने भी नंबर दिख रहे हैं उन सबको जोड़ना है बॉक्स में कितने नंबर दिख रहे हैं और इन सबको जोड़ के जरा आंसर बताओ फटाफट सारे नंबरों को एड करो और आंसर बताओ कितना आ रहा है इस बॉक्स के अंदर जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं उनको एड करके आंसर बताओ वेरी गुड वन प्लस टू प्लस थ्री एट प्लस नाइन प्लस टेन सेवेंटीन सिक्सटीन और फिफ्टीन <coughs> <coughs> वेरी गुड अंदाजा लगाया पर सही लग गया वो कितना है आपका 81. वन ठीक है तो आप लोगों ने अभी फार्मूला सीखा है मालूम है क्या कि कभी भी किसी का सम निकालना हो पर सम किसका जिसमें कोई पैटर्न फॉलो हो रहा हो जैसे वन टू थ्री एक सीरीज चल रही थी है ना यहाँ पर भी पैटर्न फॉलो होता है कैलेंडर में क्या होता है पैटर्न फॉलो होता है सात दिन के बाद वापस तारीख आती है आती है ना

तो नाइन तो आंसर कितना आ गया तो मैंने नंबर नहीं देखे वो क्या है मैंने नंबर नहीं देखे हैं क्या पर जोड़ने पर एटी वन ही आ रहा है और आपने अगर नंबरों को ऐड किया होगा तो भी एटी कुछ समझ में आई बात तो कैलेंडर आपने ऐसे देखा होगा पर जो मैं बता रहा हूँ ऐसे नहीं देखा होगा आपने केवल वहाँ तारीख देखी होगी तो क्या फार्मूला समझ में आया कि, कि किसी का भी सम करना हो तो उस सीरीज़ में उस सीरीज़ में कौन सा नंबर उठा लो बीच वाला और उसको मल्टीप्लाई कर लो किसे नंबर ऑफ डेटा से अब आपको यह समझना है कि सर यहाँ तो वन टू थ्री है एट नाइन तो आपने ऐसे क्यों किया तो मुझे ये क्या दिख रहा है मुझे ये सब नौ नौ दिख रहा है नौ प्लस नौ प्लस नौ 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 नाइन नाइन और नाइन तो नाइन नाइन कितनी बार हो गया नाइन टाइम तो नाइन को नाइन टाइम एड करने के बजाय हम नाइन इंटू नाइन भी कर सकते हैं हाँ या ना तो अब आपको ये दिखाना है कि सर आपको ये नौ नौ कैसे दिख रहा है तो देखो ये तो नौ दिख रहा है हाँ या ना एक काम करते हैं इसके पास से हम उधार लेते हैं कितना आठ सेवेंटीन में से आठ कम करो तो कितना बचेगा यहाँ और जो आठ हमने कम किया वो इसको दे दो तो ये भी नाइन हो जाएगा और हो गए नाइन अब इस फिफ्टीन के पास से सिक्स कैरी ले लो तो अगर यहां से छः ले लोगे राजा तो बचेगा कितना नाइन और जो छः आपने लिया वो इसको दे दो तो यहां कितना हो जाएगा नाइन इसके पास से आप कितना कैरी ले लो सेवन अगर सेवन लोगे तो यहां क्या बचेगा और वो सेवन इसको दे दो क्या बचेगा इसके पास से वन ले लो तो यहां क्या बचेगा और वन इसको दे दो क्या बचेगा मतलब जो अलग अलग डेटा था वो सेम सेम हो गया अब आपको जोड़ना आसान हो गया तो हम लोग फार्मूले में क्या यूज़ कर लेते हैं नाइन इंटू नाइन बात आई थोड़ी सी तो फार्मूला बेसिकली हमें दिमाग में ये फिट रखना है कि सम निकालने का जो फार्मूला होता है अगर कभी कोई कंटिन्यू सीरीज है और हमें उसका सम निकालना है तो हम क्या करेंगे मिडिल नंबर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेटा तो सम आएगा क्लियर बात यहाँ तक चलो अब मुझे आप लोग बताओगे ये वाला कुछ क्वेश्चन हमने छोड़े हुए वहां पर वापस से मैंने ये वाला कर दिया जरा फटाफट पेन चलाओ और जल्दी से आंसर दोगे इसका फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट इलेवन इवन नेचुरल नंबर कौन से नंबर इवन नेचुरल नंबर होना चाहिए इवन होना चाहिए और नेचुरल होना चाहिए पहले वाले में नेचुरल नंबर थे अब इवन नेचुरल है और ये मैं कल पढ़ा चुका हूँ इवन क्या होता है नेचुरल क्या होता है इसलिए क्लास रेगुलर रहना चाहिए अगर आप एक दिन भी एब्सेंट होगे तो चीज़ें छूटेगी और उसके लिए हमने बेनिफिट आपको दिया हुआ है क्या कि कल आप नहीं आए थे तो मेरा वीडियो देख लोगे या आज का वीडियो भी आपको मिल जाएगा तो आपका व्हाट्सअप नंबर यहाँ नोट करवा जाना तो आपके व्हाट्सअप पर वीडियो का लिंक प्लस ये नोट्स भेज दूंगा मैं तो घर जा आराम से नोट भी कर सकते हो आपको यहाँ पर नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है घर जा आराम से आप बना सकते हो यहाँ पर केवल प्रैक्टिस पर काम करो मैं कुछ सवाल दे रहा हूँ फटाफट सॉल्व करो मतलब रफ वर्क करना है यहाँ पर ताकि आपकी प्रैक्टिस हो नोट्स घर बना सकते हो यहाँ केवल आपको सुनना है ध्यान से और प्रैक्टिस करना है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट इलेवन इवन नेचुरल नंबर जिसका आंसर है वो बता देना शुरू के ग्यारह पर कौन से इवन वाले केवल इवन नंबर पहले ये बताओ इवन नंबर कितने लिए आपने शुरू के ग्यारह इवन नंबर वेरी गुड एक्सीलेंट ये मल्टीप्लाई किया तो यहाँ प्लस क्यों लगाया आ गया कितना आया वन थर्टी टू एक्सीलेंट मतलब आपने इतने नंबरों को जोड़ के बता दिया ठीक है वन थर्टी टू तो क्या किया आपने शुरू के इलेवन नेचुरल नंबर लिया आपने कितने नंबर लिए बेटा इलेवन चलो तो मैं भी यहां पर इलेवन नेचुरल नंबर लू बताओ आपने कौन से नेचुरल नंबर लिए फर्स्ट फर्स्ट इलेवन इवन ना इवन और कौन से नेचुरल नंबर तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए मुन्ना कि इलेवन नेचुरल नंबर होते वन से इलेवन तक होते हैं पर यहाँ पर आप मुझे बताओ कि क्या ये इवन है तो हमें लेना है नेचुरल नंबर ही लेना है पर केवल कौन से नेचुरल नंबर लेना है जो इवन हो मतलब टू फोर सिक्स ये तो ऑड है यह तो क्या है ऑड है और इसने बोला इवन वाले लेना है तो नेचुरल ये सारे हैं पर नेचुरल के साथ और क्या ध्यान रखना हमें इवन वाले लेना है तो हमें ये लेना है अब अगर हम ये लेंगे तो ध्यान दो कि एक से लेके छः तक में वन टू सिक्स में आधे ईवन है और आधे ऑड है तो अगर हमें इलेवन लेना है तो हमें काउंटिंग कहाँ तक करनी पड़ेगी बाईस तक बाईस तक की संख्याओं में से आधे मतलब ग्यारह ऑड होंगे और ग्यारह ईवन होंगे तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इनकी तो यहाँ पर कौन से नंबर आएंगे टू प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस एट प्लस क्या हो गए ग्यारह नहीं अभी तो पाँच ही हुए हैं ऐसा नहीं ग्यारह तक की गिनती लिख ली आपने अगर आपको इसको 11 करना है तो कहां तक जाना पड़ेगा बाईस तक तो मैं ऐसे लिख दूँ ट्वेंटी टू डायरेक्टली गई ग्यारह अरे हो गई ग्यारह अब हमने क्या सीखा है सम निकालना तो क्या करेंगे सर तो अगर हमें सम निकालना है तो हमने क्या सीखा था मिडिल नंबर तो इसमें मिडिल नंबर क्या होगा टेन होगा पर सोचो अगर किसी नंबर में आप मिडिल नहीं देख पाओ बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं यहाँ तो ग्यारह हैं तो आपने देख लिया कि सर इधर के पाँच छोड़ दो इधर के पाँच छोड़ दो बीच में ही आ गया पर मान लो ऐसे सौ नंबर होते हैं दो सौ नंबर होते हैं पाँच सौ तिरपन नंबर होते फाइव हंड्रेड फिफ्टी थ्री नंबर होते तो बीच का नंबर ढूंढना आसान नहीं था तो उस केस में क्या करेंगे मान लो मुझे यहाँ पर बीच के नंबर नहीं पता थोड़ी देर के लिए मान लो कि मुझे यहाँ पर बीच के नंबर पता नहीं है तो यहाँ पर बीचों बीच में क्या आएगा मान लो मुझे पता नहीं है अब मैं वहाँ गिनती लिखने तो जाऊँगा नहीं तो समझ में आ रही बात तो काउंटिंग लिखने तो नहीं जाएंगे तो हमें एक फार्मूला पता है मिडिल नंबर इन टू नंबर ऑफ डेटा पर अगर मैं मिडिल नंबर मुझे पता होता तो मैं यहाँ लिखता पर अभी मुझे मिडिल नंबर दिख ही नहीं रहा है कि दिख रहा है आपको वैसे दिख रहा है पर मान लो नहीं दिखे तो क्या करोगे तो जब आपको मिडिल नंबर नहीं दिखे तो आप क्या करोगे मिडिल नंबर लाने का एक तरीका है देखो जरा यहाँ पर यहाँ ध्यान देना इसमें मिडिल नंबर क्या था अब मान लो ये मिडिल नंबर आपको नहीं दिखता मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये मिडिल नंबर आपको यहाँ पर नहीं दिखे थोड़ी देर के लिए आपने मान लिया कि सर मिडिल नंबर जो है वो गायब हो गया है और मुझे मिडिल नंबर अब नहीं दिख रहा है हाँ पर मुझे फर्स्ट वाला भी दिख रहा है और तो यहां बीचो बीच में होगा क्या आपको यह पता करना है कि सर यहां जो बीचो बीच में एक नंबर होगा वो क्या होगा तो आपको बीच का नंबर जब नहीं दिखे तो आप क्या करोगे आप फर्स्ट वाले को देखो और इन दोनों को क्या कर लो एड कर लो तो फर्स्ट प्लस लास्ट तो वन प्लस सेवन कितना हो गया और उसको क्या कर लो हाफ तो मिडिल आपको मिल जाएगा तो जब भी किसी सीरीज में तुम्हें बीच में जाना हो कहां जाना हो और बीच का नहीं दिख रहा हो तो किसको उठाओगे पहले वाले को और आखिरी वाले को तो फर्स्ट प्लस डिवाइड बाय टू तो बीच वाला आ जाएगा तो बेसिकली मुझे ये पता करना था तो वन प्लस सेवन कितना हो गया एट और एट को हाफ करेंगे तो फोर तो बीच वाला दिख जाएगा अरे दिखेगा ना तो जब बीच वाला दिख जाए तो तो आप डायरेक्टली लिखोगे पर अगर बीच वाला नहीं दिखे अगर बीच वाला नहीं दिखे तो फिर क्या करना है बीच वाला नंबर नहीं दिखे तो हमें पता है कि अगर इसको मुझे पता करना हो तो मैं क्या कर सकता हूं फर्स्ट प्लस डिवाइड बाय टू इसकी जगह पे मैंने ये लिख दिया कुछ पल्ले पड़ी कहानी इनटू नंबर ऑफ डेटा तो इक्वल टू राजा कितना हो जाएगा? फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है टू लास्ट क्या है टोटल कितना हो गया ट्वेंटी फोर हाफ करेंगे आएगा? 12. कितना आएगा? और होते, तो ट्वेंटी टू होते पर यहाँ से आधे गायब भी तो है वन गायब है थ्री गायब है फाइव गायब है so, to 22, तो वन टू ट्वेंटी टू टोटल होते यहां पर गायब हैं। और आधे हैं मतलब कितने है? इलेवन ही है इतनी बात क्लियर है तो ये जो डेटा है इनको अगर आप काउंट करोगे तो ये ग्यारह ही आएंगे आगे बात समझ में इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा वन थर्टी टू और मल्टीप्लाई करने का भी एक तरीका है जब भी आपको किसी मैंने अभी आपको बूस्टर कोर्स में ये पढ़ाया है कि इलेवन से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है आप सी बी एस सी के स्टूडेंट हो तो आपको समय बचाना होगा अगर आपने समय नहीं बचाया तो कोई और टॉपर बच्चा होगा जो समय बचा लेगा और उस तो आपसे ज़्यादा सवाल करके आएगा और ज़्यादा चेक करके आएगा कॉपी में मिस्टेक्स को चेक करके आएगा तो सही करके आएगा वो जब भी आपको इलेवन से मल्टीप्लाई करना हो तो आप क्या करते हो तो बहुत सारे बच्चे मल्टीप्लाई करके देखेंगे पर आप डायरेक्टली लिख सकते थे ये वाला क्या लिखोगे पहले वन ये वाला वन लिख दोगे है ना और लास्ट वाला क्या है टू और बीच में इन दोनों को एड करके लिख देना अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना चाहूंगा जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर लिखा है मुझे करना है थर्टी टू का मल्टीप्लाई किस में इलेवन में तो मैं क्या करूंगा ये वाला थ्री ये वाला टू और बीच में इनको एड करके लिख दो तो भी आंसर वही आएगा जो इलेवन करने पर आता तो एक तरीका हो गया जल्दी करने का पर ये कब जब मल्टीप्लाई किससे करना हो इलेवन से करना हो। आगे बात समझ में तो ऐसे आप नंबरों को कर सकते हो जैसे मान लो मैंने लिख दिया फिफ्टी टू का मल्टीप्लाई करना है मुझे किसमें में इलेवन में तो क्या लिखूंगा फिफ्टी टू तो मैंने लिखी दिया बीच में जगह खाली छोड़ दो इन दोनों को एड करके यहाँ लिख दो तो ज़्यादा जल्दी आंसर आएगा तो ये चीज़ें आपको मैथ्स में मैं बीच बीच में बताते चलूंगा जहाँ जहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी उससे आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड वो बढ़ेगी ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बूस्टर कोर्स में पढ़ाई है एक बूस्टर कोर्स हम मैथ्स का चलाते दो महीने एक महीना ऑलरेडी को हो चुका है एक महीना और चलेगा शाम को चार चार बजे क्लास चलती है ना कौन कौन आता है उसमें दो जन आते हैं इसमें से बस तो इस बेच में हम लोग यही सिखाते हैं सिक्स टू टेन का बच्चा बैठता है कैलकुलेशन जल्दी कैसे हो जाएगा बात समझ में आ रही है आपको चीज़ें आती हैं आपका दिमाग है पर कैलकुलेशन स्पीड नहीं है इसका मतलब एग्ज़ाम में आपको टाइम कम पड़ेगा आते हुए चीज़ें आप छोड़ के आओगे और तो सी में तो पक्का छोड़ के आओगे क्योंकि पेपर जो होता है लेंदी होता है चलो ये कहानी क्लियर हो गई आपको कम करना समझ में आ गया कोई डाउट है यहाँ तक चलो यहाँ पर ध्यान दो तो एक और क्वेश्चन छूटा हुआ था इसका आंसर मुझे बताओ आप अभी यहाँ क्या बोला द सम ऑफ फर्स्ट इलेवन ऑड नेचुरल अभी हमने क्या लिया था इवन मतलब दो चार छः लिया था ना आप उनको लेना है वन थ्री फाइव को लेना है तो कहां तक जाएंगे भैया हम ट्वेंटी टू तक आउनी सरनेम क्या राठौर आपका क्या नाम है बेटा खुशबू सरनेम रेवा पाटी निका रेवा पाटी मैं नाम भूल गया तुम्हारे क्या नाम है बेटा साला गांव साला है नहीं तालिया खान क्यों और कुछ लिखते हो दिव्यांशी कटारिया आप दोनों बमन गांव रहते हो बेटा गुरुकुल स्कूल स्कूल कौन सा है और आपका गुरुकुल है तुम कहाँ रहते हो राजा बमन गाँव है न <coughs> उमा देवी गांव रहता कहाँ है तो उमा अच्छा नाना जी कहाँ रह रहा है तो फिर तो गांव से कैसे आएगा यहीं <coughs> रहेगा स्कूल कौन सा ज्वाइन करेगा मास्टर माइंड करेगा किसने बोला मास्टर माइंड का कौन से दोस्त ने ठीक है मलगांव कहाँ रहता है रहता है। भाई राजा हाँ हरिओम कहाँ से कमन गाँव स्कूल कौन सा आपका ये वाला गुरुकुल कि वो वाला गुरुकुल क्यों आपका गुरुकुल वो वाला है कि ये वाला है वो गुरुकुल है हाँ तो गुरुकुल में तो फिर हैवी ड्राइवर होंगे थोड़े से वहाँ दूसरे बच्चे आया आंसर वन हंड्रेड वन ट्वेंटी वन और किसी का आंसर 143, 121, 231 वन फोर्टी थ्री अब अप, अपन चेक कर लेते हैं देखो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करना है है ना इसमें हो सकता है कुछ बच्चे एमपी बोर्ड वाले बैठे हो और कुछ सीबीएसई वाले मैं सीबीएसई लेवल पर पढ़ा रहा हूँ मतलब मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ एमपी बोर्ड का कुछ भी छूटेगा नहीं तो आपको यहाँ दिमाग मत चलाना ज़्यादा कि सर ये हमारी बुक में सवाल तो था ही नहीं समझ रहे हो आप दिमाग मत चलाना कि मेरी बुक में सवाल नहीं है क्योंकि सीबीएससी में और एम पी बोर्ड में फर्क आता है हाँ एक जून से आपका बेच अलग हो जाएगा उसमें एम पी बोर्ड को एम पी बोर्ड का ही पढ़ाएंगे और सी बी एस सी वालों को अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सीबीएससी के हिसाब से पढ़ा रहा हूं सिलेबस वही रहेगा पर लेवल थोड़ा सा ज्यादा रहेगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊंगा मैं बुक के सारे हो जाएंगे वो छूटेगा नहीं पर बुक के अलावा भी चीजें करवाऊंगा तो ये बुक के अलावा चल रही चीजें हाँ पर ये चीजें समझ में आ गई तो बुक की चीजें आप बहुत खुद से ही कर लोगे कुछ हद तक खुद से करने लग जाओगे चलो तो ये वाला सवाल था अब आप सोचो इसमें कि हमसे पूछा क्या था बेटा कौन से नंबरों के बारे में पूछा था ऑड नंबर के बारे में पूछा था है ना तो ऑड नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें ऑड और क्या होना चाहिए नेचुरल तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं पूरी काउंटिंग नेचुरल नंबर होती है जो हम गिनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर बोलते हैं काउंटिंग नंबर को पर उसमें से हमें कौन से लेना है केवल ऑड ऑड का मतलब क्या होता है राजा जो टू से डिवाइड नहीं हो वो ऑड और जो टू से डिवाइड हो जाए वो इवन तो अभी हमें टू से डिवाइड नहीं होने वाले चाहिए मतलब जो ऐसे नंबर जो दो के पहाड़े में नहीं आते तो दो के पहाड़े में कौन नहीं आता एक तीन पांच और हमें कितने चाहिए इसे ऑड नेचुरल नंबर कितने चाहिए इलेवन चाहिए तो इलेवन चाहिए तो हमें कहां तक जाना पड़ेगा ट्वेंटी वन तक एक से बाईस तक में टोटल बाईस नंबर होते हैं उसमें आधे ऑड और, और आधे इवन अगर बाईस तक में से ऑड हटा इवन हटा दोगे तो बचेंगे कितने ऑड तो ये सम करने का तरीका आपको पहले ही बता दिया था मैंने क्या मिडिल नंबर तुम्हें दिख रहा है नहीं दिख रहा है मान लो नहीं दिख रहा है तो क्या करोगे ट्वेंटी वन प्लस वन ट्वेंटी टू फर्स्ट प्लस लास्ट मन की आंखों से देखा गया नंबर कहाँ होता है मिडिल में होता है और मिडिल निकालना हो तो क्या करोगे फर्स्ट प्लस लास्ट दोनों को उठा के लाओगे और एड करोगे तो बीच वाला नहीं आएगा उसको हाफ करने से आएगा तो आपने इसको उठाया और इसको उठाया एड क्या कितना आया ट्वेंटी टू आया हाफ क्या तो कितना आया इलेवन तो मिडिल नंबर कितना हो गया इलेवन और ये डेटा कितना है ये भी इलेवन है अरे डेटा भी तो ग्यारह ही है तो आंसर कितना आएगा वन ट्वेंटी वन ये सही आंसर है कोई डाउट यहाँ तक जिसका आंसर गलत आया तो उसको समझ में आ गई कहानी कि कहाँ गलती की थी हम लोगों ने गलत करना गलत बात नहीं है पर जो गलत हो गया है वो सही बाद में हो जाना चाहिए जिस बच्चे ने गलत किया है और बाद में वो सही सीख गया है उस बच्चे को मैं ज़्यादा बेहतर मानता हूँ जिसको पहली बार में सही आ गया उससे पहली बार में जिसको सही आ गया उसको क्या आता है केवल सही आता है पर जिसने एक बार गलत किया और फिर सही किया उसको एक गलत तरीका भी आता है नहीं ठीक है ना उसको ये पता है कि गलत ऐसे होता है और सही और जिसको सही पता है उसको गलत पता ही नहीं है तो एग्ज़ाम में अगर वो गलत करेगा तो उसको पता भी नहीं चला मैं गलत कर रहा हूँ मेरी बात समझ में आ रही है तू तो ऐसे देख रहे जैसे भाषा ही अलग हो मेरी दूसरे गोले वाला आदमी तो ही ना हो भाई मैं इसी दुनिया का हूं माड़ी में बात करूँ क्या वो भी आती नहीं तो चलो अब तीन क्वेश्चन हमारे हो गए अगले सवाल ये रहे अब आपका थोड़ा सा माथा घूमेगा कि यहां हम वैसा कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि यहां पर नंबर कितने हैं जरा करके बताओ चल रहा है चैप्टर वन पर यहां जो चीज़ सीख रहे हो वो फाइव में भी काम में आएगा मतलब फाइव जो चैप्टर होगा वो जल्दी खत्म हो जाएगा आपका मेरा उद्देश्य सम सिखाना नहीं है मेरा उद्देश्य यह है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं ऑड नंबर क्या होते हैं इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी गलतियां नहीं करोगे ये पढ़ते आ जाता है तुमको कोई है जिसको इंग्लिश पढ़ते नहीं आता मैं सिखा दूंगा पर तुम मुझसे बोलोगे तो मैं कोई देव बर्बाद हो ना कि मैं समझ जाऊंगा कि तेरे अंदर क्या चल रहा है भाई पढ़ते आ हाँ जाना चाहिए ठीक है ना <coughs> तो क्लास में नींद तो नहीं आती देखना यार जो आ गया आ रहा है ब्लूटूथ से कि जेंडर से ब्लूटूथ से आ रहा है ये जो मैं बोर्ड पे जितना छाप रहा हूँ वो आपको पीडीएफ भेज देंगे घर जाके आप आराम से सारी क्वेश्चंस सारे आंसर नोट कर सकते हो ठीक है कल वाली पी भी आज फिर से भेज देंगे तो जो बच्चे नए हैं वो कल वाला पहले पढ़ना वीडियो देखना उसका नोट बनाना फिर दूसरा वीडियो देखना उसका नोट बनाना नोट्स पी में बजाने के बजाय वीडियो से बनाओ तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वीडियो में मैं बोल भी रहा हूँ समझा भी रहा हूँ तो दो चीज़ें होगी क आपका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा घर कोचिंग की रिक्वायरमेंट अलग से आपको होती ही नहीं है फिर स्कूल वाले अगर ऐसा पढ़ा दे कि रिकॉर्ड भी करके दे दे तो कहाँ जाएंगे फिर उसको दोबारा से देख लेंगे तो ऐसे क्या घूर रहा है भाई या तो समझ में आ रहा है या तो नहीं आ रहा है कि आ रहा है थोड़ा थोड़ा आ रहा है पूरा पूरा आना चाहिए यार क्योंकि इतनी कठिन चीज़ें नहीं बताई मैंने जरा तो एक बार हाथ उठाना जिनको ये कहानी पूरी समझ में अभी तक जो पढ़ा रहा हूँ जिनको जिनको आई है साइड वाले को देख के आती है आपको ऐसा है क्या ऐसे देख लेते इसको आ गई मेरे को भी आ गई ऐसा नहीं करना है चलो भाई फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट हंड्रेड नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर लेना है और इवन की बात नहीं की, तो हंड्रेड नेहलस्ट्रेडर कहां तक जाओगे बेटा? तक. हो सम का तरीका हमारे पास क्या मिडिल नंबर क्या तुम्हें दिख रहा है नहीं दिख रहा है और जब मिडिल नंबर नहीं दिखे तो हम क्या करेंगे फर्स्ट प्लस लास्ट कितना हो गया एक सौ एक बटे में कितना दो और ये डेटा कितने है? सौ हैं तो दिस से दिस को उड़ाया तो आंसर कितना आया पचास और 101 का गुणा 50 बार बोलोगे तो आंसर कितना आएगा ये आप बताओ अब यहां ध्यान समझना मुझे एक बात बताना कि अगर मैं 50 को 100 बार टेबल बोलूं इसका क्या मतलब होता है 50 की टेबल कितनी बार तो कितना आएगा 5000 आएगा भाई 50 का मल्टीप्लाई 100 में करोगे तो कितना आएगा पचास सौ पचास सौ पांच हो गया आया हाँ ना पर मुझे पचास का टेबल कितनी बार बोलना है एक एक बार पचास का टेबल सौ बार नहीं एक सौ एक बार बोलना है इसका मतलब एक और पचास आएगा पाँच हजार नहीं एक और पचास आएगा तो पचास हजार सॉरी पांच हजार पचास आएगा और नहीं तो जो स्कूल में आपने गुणा भाग सीखा है वैसे भी कर सकते हो एक सौ एक और गुणा में क्या ऐसे पचास तो भी आंसर ला सकते हो क्या तुम्हें ऐसे करना है क्या मेरे हिसाब से यह तरीका रॉन्ग है थोड़ा रॉन्ग मतलब यह कि आंसर सही आएगा पर अभी आप दसवीं में हो छोटे बच्चे थे ना कि बस गुणा भाग किए जा रहे हो तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा इसका मतलब क्या होता है पचास का टेबल बोलना कितनी बार सौ बार तो पचास का टेबल सौ बार बोलने पर दुनिया को आता है पचास का टेबल सौ बार बोलने पर क्या आएगा केवल ये जीरो सब इकट्ठे हो जाएंगे पांच हजार आ जाएगा तो पचास का टेबल सौ बार बोलने पर पांच हजार आ रहा है तो पचास का टेबल एक सौ एक बार बोलने पर एक पचास और आएगा तो पांच हजार में एक पचास और जोड़ लो तो एक सौ एक बार हो गया हाँ या ना नहीं समझ में ये बात कैलकुलेशन ये आपको ध्यान नी पूरे साल में अगर आप कंटिन्यू करते हो तो बहुत सारे कैलकुलेशन में ऐसे सिखा दूंगा जहाँ डायरेक्टली आंसर दे सकते हो ओरली विदाउट कैलकुलेशन विदाउट यूजिंग पेन और पेपर क्या पहला सवाल क्लियर हो गया आपको दूसरा देखो क्या बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट हंड्रेड होल नंबर अब होल नंबर क्या होते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं बेटा एक से शुरू होते हैं एक से लेके कहा तक चले जाते हैं और होल नंबर कहां से शुरू होते हैं जीरो से ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए होल नंबर स्टार्ट होते हैं जीरो से तो कोई मुझे बताएगा फर्स्ट टू होल नंबर क्या है फर्स्ट टू जीरो और वन तो फर्स्ट टू में हम कौन कौन से नंबर लिखेंगे जीरो और वन अगर मैं फर्स्ट थ्री की बात करूं तो अगर मैं फर्स्ट फोर की बात करूं तो मतलब फर्स्ट फोर में हम थ्री तक जा रहे हैं फर्स्ट टू में हम वन तक जा रहे हैं आ रही बात समझ में तो फर्स्ट हंड्रेड में हम कहां तक जाएंगे नाइन्टी नाइन तक क्यों क्योंकि फर्स्ट हंड्रेड नंबर की बात करें कौन से होल नंबर की तो जीरो वन टू थ्री और क्या सौ तक लिखू मैं अगर मैंने सौ तक लिख दिया तो नंबर सौ नहीं हुए नंबर क्या होगा गया एक सौ एक हो गए क्योंकि बेटा सौ तो यही होगा गए एक से लेकर सौ तक तो ये तो एक सौ एक हो गया तो हमें कितने चाहिए थे फाइव फाइन द सम ऑफ फर्स्ट हंड्रेड चाहिए फर्स्ट हंड्रेड होल नंबर हंड्रेड तक नहीं हंड्रेड तो हम यहाँ पर कितना लेंगे नाइन्टी नाइन तो ये हो गए नाइन्टी नाइन प्लस ये वाला एक मिला के टोटल सौ डेटा हो गए हाँ या ना और इसको भी सम करना है तो सेम कहानी जैसे हम अभी तक करते आते इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा फर्स्ट प्लस तो जीरो प्लस नाइन्टी नाइन नाइन्टी नाइन अपॉन में कितना बेटा टू इन टू डेटा कितना है ये निन्यानवे मत लिखना कोई इस नंबर को नहीं लिख रहा हूं मैं यहाँ मैं ये काउंट करके लिख रहा हूँ ये नाइन्टी नाइन प्लस ये वाला एक तो टोटल कितने डेटा हो गए हंड्रेड मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं ये आखिरी का डेटा यहाँ नहीं लिखता हूँ मैं ये कह रहा हूँ ये है कितने कितने हैं ये है कि नहीं सौ है तो इससे इसको उड़ाओगे तो आंसर कितना आएगा? पचास अब मुझे एक बात बताओ। पचास का टेबल सौ बार बोलने पर कितना आता है? तो आगे बढ़े बड़े बढ़े भाई नेक्स्ट आपके पास रहा यह फाइन मीन का मतलब क्या होता है एवरेज मीन का मतलब क्या होता है एवरेज एवरेज मतलब जो भी डेटा है उसको सबको बराबर करना एवरेज का मतलब होता है जो डेटा है उसको सबको और बराबर करना मैंने शुरू में बताया था कि बीच का नंबर चार है पाँच के पास से एक कैरी लेके इसको दे दो तो सब क्या बन गया तो एवरेज जो होता है ना वो बीच में ही होता है देखा जाए तो भाई अगर मुझे एवरेज निकालना जैसे वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव इसका एवरेज क्या होगा तो एवरेज क्या होगा थ्री होगा एवरेज मतलब सबको बराबर बैलेंस करना तो एवरेज थ्री कैसे हो गया इससे कैरी लेके इसको दे दो तो ये क्या बन जाएगा थ्री और ये भी इससे इसको दे दो तो ये भी क्या बन जाएगा थ्री और और ये तो थ्री है ही तो सब देखो तीन, तीन तीन बन गया और जो सब बराबर हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं एवरेज कहते हैं तो बेसिकली स्कूल में या बुक्स में फार्मूला होता है एवरेज का जो फार्मूला होता है वो होता है सम ऑफ डेटा सम ऑफ डेटा अपॉन में नंबर ऑफ डेटा नंबर ऑफ डेटा क्या ये नाइन्थ में कई फार्मूला था ऐसा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पदों का योग बटे पदों की संख्या नाइन्थ पढ़े भी हो कि सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़ो सब बढ़ो ऐसा तो नहीं है आपके स्कूल में ऐसा होता ना आपकी का हर स्कूल में बहुत सारे स्कूल में ऐसा होता है कि बच्चा नाइन्थ में पास होने लायक होता तो नहीं है पर तो भी पास आपके बेच में से कोई बच्चे होंगे जो पास हुए हैं जिन्हें खुद को उम्मीद नहीं थी मैं पास होंगे वो भी उम्मीद वो भी पास हो गया बेचारा नहीं हुए से तो ये होता है एक्चुअल में फार्मूला पर हम लोग ये समझेंगे कि अगर मुझे सबसे पहले सम ऑफ डेटा निकालना पड़ेगा और किन का इलेवन नेचुरल नंबर का तो अगर हम सबसे पहले नेचुरल नंबर लिखे इलेवन तो नेचुरल नंबर क्या होंगे वन प्लस कितने बेटा इलेवन तो इनका सम कितना आ जाएगा अरे सिक्सटी सिक्स आएगा कि कितना आएगा बीच का नंबर क्या था इसमें छः तो आंसर कितना आया था हमारा ये हमने पहले कर लिया था तो ये क्या आ गया सम आ गया ये क्या आ गया हमारे पास पर हमें क्या निकालना है एवरेज तो एवरेज क्या होता है सम ऑफ डेटा कितना आया और नंबर ऑफ डेटा कितने हैं ये कितने हैं तो बेटा जब वापस बैठ गया तो आंसर क्या आ गया तो मुझे इतना क्यों करना है जब मुझे पता है एवरेज मतलब बीच का नंबर ही होता है तो मैं एवरेज को ऐसे भी निकाल सकता था कि एवरेज इक्वल टू क्या सर मन की आंखों से देखा गया नंबर ही एवरेज होता है पर कब जब कोई सीरीज कंटिन्यू चल रही हो तब मन की आंखों से देखा गया नंबर ही एवरेज होता है तो मन की आंखों से देखा गया नंबर कहाँ होता है वो बीच में होता है और बीच का नंबर कैसे निकालते हो फर्स्ट प्लस ऐसे भी छह ही आंसर आएगा भाई इसमें फर्स्ट नंबर क्या है वन लास्ट नंबर क्या है इलेवन सम करो कितना आएगा ट्वेल्व का हाफ करो कितना आएगा तो आंसर सिक्स आ गया तो आप इतना क्यों कर रहे हो फिर आप ऐसे भी आंसर दे सकते थे नहीं समझ में बात ये क्लियर है यहां तक चलो आगे बढ़ते हैं और कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है क्या मैंने आपको कंपोजिट नंबर पढ़ाया था कल की क्लास में यहाँ पर बात हुई है कंपोजिट की इसलिए कल जो मैंने पढ़ाया था कंपोजिट के बारे में वो आपको पता होना चाहिए हाथ उठाएंगे कितने बच्चों को पता है व्हाट इज़ कंपोजिट नंबर एक दो तीन चार पाँच क्या भाई को नहीं पता है कल आया था बधाई हो आप भी नहीं कल आए थे तो फिर आपको क्यों नहीं पता तुम जैसे नंबर हम जैसे नंबर ये देखो गलती कहाँ कर रहे आप लोग आप लोगों को यहाँ जो पढ़ा रहे ना उसको घर जाके एक बार कम से कम देख के आओ वीडियो देख के आओ भले बताओ बेटा क्या होते हैं कंपोजिट नंबर उसके अलावा भी फैक्टर होना चाहिए हाँ वेरी गुड एक्सीलेंट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डेफिनेशन रट के बता दो चीजें समझ के बोलो जीवन भर याद रहेगी बैठो ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं अब इतनी आसान भाषा में तुमको समझ में तो नहीं आएगा क्योंकि आप कल नहीं थे कितनों को समझ में आ गया अभी फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक बार देखो समझ में आई बात नहीं आई तो वैसे रिपीट नहीं करना था पर एक बार फिर कर देते हैं कुछ नए बच्चे जुड़े हैं इसलिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट क्या होते हैं ठीक है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ भैया प्राइम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर एक होता है प्राइम और एक होता है कंपोजिट ठीक है तो क्या होते हैं प्राइम क्या होता है कंपोजिट मैं यहां पर कुछ नंबर लिख रहा हूं ध्यान देना मैंने यहां पर सबसे पहला नंबर लिखा बेटा दो फिर मैंने लिखा बेटा तीन फिर मैंने लिखा बेटा पांच फिर मैंने लिखा यहां पर सात बोलो फिर क्या लिखू नौ नहीं लिख रहा हूं मैं ग्यारह लिख रहा हूं फिर तेरह लिख रहा हूं ऐसे मैं और भी लिख सकता हूं आगे और इतने में समझ में आ जाएगा तो मैंने इन नंबरों को यहां क्यों लिखा इसकी खासियत है इन नंबरों में खास बात होती है वो क्या बात होती है कि दो जो है वो किसकी टेबल में आता है तो दो एक के पहाड़े में आएगा एक का पहाड़ा आता है तुमको बोल के बताएगा कोई अरे एक का पहाड़ा गिनती ही होगी उसको एक एक में एक बोल के बताओगे एक दुआ दो ठीक है अच्छा कितने बच्चे ऐसे जिनको टेबल बोलते आती है जरा टू का टेबल बोल के बताओगे टू का टेबल किनको किनको आता हैडेस करना वेरी गुड जरा बोल के बताओ वेरी गुड आप जो बोल रहे हो उसको लिख के बताओ आप टेबल बोल के बताओ बेटा टू का टेबल जो बोल रहे हो ना उसको लिख के बताओ इंग्लिश में कौन लिख के बता देगा जो आप टेबल बोलते हो उसको लिख के बताओ इंग्लिश में आपके वर्ड जो भी निकल रहे हैं मुंह से वो वर्ड लिखना है आपको पढ़ गए लाले आ गए दसवीं में सीखने वाली बातें थी अब मान लो कल को तुम टीचर बन गए बारहवीं के बाद स्कूल में पढ़ाओगे छोटे बच्चों को तो क्या पढ़ाओगे फिर उनको लाले सीखना चाहिए कि नहीं बुरा लग रहा है मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो लगे तो लगे बुरा लगेगा तो ही तो आदमी सीखेगा कौन लिख के बता देगा भैया टेबल बोल के बता खड़े हो के एक बार अब उसको लिख के बता कैसे लिखेंगे टू नहीं वर्ड में लिखना है वर्ड मतलब इंग्लिश में टी W टू क्या बोलते हो बस बोले जा रहे हैं क्या बोल रहे हैं हमको पता ही नहीं है क्या बोल रहे हैं आज तक हमको पता नहीं है टेबल बचपन से याद करते आ रहे हैं कोई वंजा बोलता है वंजा कहाँ जा भाई तो बोले वन जा टू जा थ्री जा सीखना चाहिए ना भाई जो तुम बोलते ना टू तो मैंने बच्चों से पहले भी एक बार पूछा था तो बोले सर टू वन जा टू मैंने कहा लिख के बताओ तो बोले टू वन जा टू गलत ऐसे नहीं होता है कैसे होता है बोले टू वन टू ये नहीं होता ये तुमने फ्लो में ऐसा बना दिया वो गलत उच्चारण कर रहे हो एक्चुअल में ये होता है टू वंस आर टू पर तुम इसको इतनी स्पीड से बोलते हो कि इस वंस आर को क्या बना देते हो नहीं समझ में बात टू वंस आर मतलब कि टू एक बार अगर बोलोगे तो टू आएगा टू टूज आर फोर टू को अगर टू टाइम अगर आप बोलोगे तो फोर आएगा आ रही बात समझ में ये इंग्लिश होता है और हम क्या बोल रहे हैं ये सब चल रहा है तो फिर कल को बच्चों को क्या बताएंगे हम लोग चलो अभी इस पर आए हम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर तो ये ऐसे नंबर है जो वन की टेबल में आएगा और किसकी टेबल में आएगा क्या इनके अलावा कोई दुनिया में ऐसा नंबर है जिनकी टेबल में टू आ सकता है नहीं आएगा ठीक है ऐसे थ्री किसके टेबल में आएगा एक तो वन की ओर एक फाइव किसके टेबल में आएगा वन की ओर सेवन किसके टेबल में आएगा वन की ओर इलेवन किसके टेबल में आएगा वन की ओर थर्टीन किसके टेबल में आएगा वन और तो ये वो नंबर हैं जिनके केवल अच्छा ये जो मैंने लिखा है ना ये फैक्टर कहलाते हाथ जैसे मैं आप यहाँ लिख सकता हूँ फैक्टर ऑफ टू क्या लिख सकता हूँ फैक्टर ऑफ टू टू के फैक्टर क्या होते हैं तो वन होता है और टू होता है फैक्टर ऑफ थ्री के फैक्टर क्या होते हैं वन होता है और तो इनको हम क्या बोलते हैं ये जो नीचे डिवाइड करेंगे क्या कहलाते हैं फैक्टर कहलाते हैं तो ये जो सारे नंबर जो व्हाइट कलर में लिखे हैं उनके फैक्टर कितने हैं सबके सबके दो ही फैक्टर हैं ना दो से कम ना दो से ज्यादा एग्जैक्ट दो ही फैक्टर हैं तो ऐसे नंबर जिनके केवल कितने फैक्टर होते हैं ना दो से कम ना दो से ऐसे नंबरों को हम लोग क्या कहते हैं प्राइम नंबर क्लियर बात ऐसे नंबर जो केवल एक से डिवाइड होते हैं और खुद से डिवाइड होते हैं नंबर विच हैव डिविजिबल बाय वन एंड इट्स सेल्फ नंबर विच हैव डिविजिबल बाय वन एंड इट्स सेल्फ ऐसी संख्याएं जो केवल एक से डिवाइड होती है और खुद से होती ये नंबर तुम जैसे होते हैं तुम्हें कोई हरा नहीं सकता एक तो तुम खुद से हार जाओ और दूसरा तुम्हें भगवान हरा दे तो यहाँ पर भगवान कौन है ये वन वन जो है वो यूनिवर्सल होता है वन को हम लोग यूनिवर्सल कहते हैं और यूनिवर्स किसने बनाया है भगवान ने बनाया है तो गणित की भाषा में अगर हम कहें तो ये एक भगवान है भैया क्या है तो तुम्हें हरा कौन सकता है या तो भगवान हरा सकता है या तुम खुद हार जाओ तो प्राइम नंबर तुम जैसे होते हैं जिनको कोई हरा नहीं सकता इतनी बात समझ में आ गई जिनके दो ही फैक्टर होते हैं एक तो वो खुद और एक भगवान याद रहेगा तो इनको हम कहते हैं प्राइम नंबर अब अगर हम बात करें कंपोजिट नंबर की तो मैंने देखो वहाँ नंबर कुछ छोड़ दिया मैंने दो लिखा तीन लिखा चार नहीं लिखा वहां पर मैंने पांच लिखा पर छः सात लिखा पर आठ नौ भी नहीं लिखा है दस भी नहीं लिखा है है ना बारह ग्यारह तो है वहां पर तेरह भी है चौदह तो ऐसे और भी नंबर है इतनों में समझ में आ जाएगा अब ये नंबर देखो ये वो नंबर है जिनको कौन कौन डिवाइड कर सकता है भगवान तो उसको भी डिवाइड कर सकता है इसको क्यों तो भगवान है भाई किसी को भी उड़ा सकता है तुमको हरा सकता है दूसरों को भी हरा सकता है तो इसको डिवाइड कौन कर सकता है वन टू और फोर तो इसके कितने फैक्टर हैं वन वो खुद और दूसरा भी कोई है इसका एक फैक्टर वन भगवान तो है ही भगवान तो सबका फैक्टर होता है भाई और वो खुद भी होगा सबका फैक्टर पर यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि कोई और भी है जो इसको हरा सकता है कौन कुछ बात समझ में आई? ऐसे यहाँ पर देखो सिक्स को हराने वाले कौन कौन है वन टू थ्री और इसके चार फैक्टर हैं और कहाँ से आ जाएगा दुष्ट और का टेबल क्या डेढ़ बार बोलेगा एहे? फोर देवड़िया सिक्स होता है फोर टू जा तो एट हो जाएगा भाई फोर वन जा देवड़िया सिक्स फोर टूजा एट फोर ढाईजा टेन जा बोलोगे ढाई आर चलो यहां पर ध्यान दोगे वन टू फोर और एट ये किससे डिवाइड होता है वन से थ्री से और नाइन से भगवान इसको उड़ा सकता है वो खुद भी हार सकता है कोई और भी है जो उसको सकती है कि सकता है भाई तो ये जो नंबर है ये हम जैसे होते हैं हम हमसे हार सकते हैं हमको भगवान हरा सकता है और कोई और भी है जो हमको क्योंकि हम मेरिड हैं कुछ पल्ले पड़ी कहानी ठीक है तो ये वो नंबर है जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं इसके कितने फैक्टर होंगे वन टू फाइव और टेन ट्वेल्व किससे डिवाइड होता है तो वन से टू से थ्री से फोर से सिक्स से ट्वेल्व से बर्बाद हो गया बेचारा ये तो देखो कितने डिवाइड कर रहे हैं इसको चलो फोर्टीन किससे किससे डिवाइड होता है वन से टू से सेवन से और फोर्टीन से तो कुल मिला हमें बात समझ में कि सर ये वो नंबर है जिनके दो से ज्यादा ही फैक्टर हैं दो से ज्यादा ही है दो नहीं है या तो तीन है या तो चार है या तो पचास है आगे बात समझ में तो इन नंबरों को हम क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर तो डेफिनेशन में क्या हो जाएगा द नंबर विच हैव डिविजिबल बाय ओनली ओनली वन एंड सेल्फ डिविजल बा वन एंड सेल्फ मत बोलना भैया ये भी एक से डिवाइड होता है और खुद से भी होता है तो क्या ये कम प्राइम नंबर है ओनली होना चाहिए केवल एक से और किसी और से डिवाइड तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे डेफिनेशन में प्राइम नंबर के डेफिनेशन एमपी बोर्ड में आती रहती है दो नंबर में लिखने को आती है तो आप क्या लिखोगे नंबर्स विच हैव डिविजिबल बाय ओनली वन एंड इट सेल्फ इनके अलावा किसी और से डिवाइड इसलिए हमने क्या बोला ओनली बोला तो ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं और एक से उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर और नंबर से भी डिवाइड हो रहे हैं वो तो उनको हम क्या बोलेंगे कंपोजिट ये एक परिभाषा हो गई दूसरी परिभाषा भी बोल सकते हो कि हम इनको क्या बोलते हैं फैक्टर बोलते हैं क्या बोलते हैं तो यहां पर सबके फैक्टर कितने हैं दो तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर ऐसे नंबर जिसके केवल कितने फैक्टर होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे प्राइम और नंबर्स विच है मोर देन टू फैक्टर तो यहां पर डेफिनेशन में क्या हो गई कि ऐसे नंबर जिनमें क्या हो मोर देन मोर देन टू फैक्टर हो मोर देन क्या हो टू फैक्टर और यहां पर क्या हो ओनली टू फैक्टर ओनली तो अगर ओनली टू फैक्टर है तो हम उसको क्या बोलेंगे प्राइम और अगर मोर देन टू फैक्टर तो क्या बोलेंगे कंपोजिट अभी क्लियर कहानी हुई मतलब कोई नंबर खुद से डिवाइड हो रहा है और एक से डिवाइड हो रहा है और कोई और भी डिवाइड कर रहा है तो हम कहेंगे ये क्या है कंपोजिट है कोई नंबर खुद से डिवाइड हो रहा है और एक से डिवाइड हो रहा है केवल और कोई नहीं डिवाइड कर रहा तो क्या बोलेंगे क्या इतनी बात क्लियर है क्लियर भैया आपकी जो मैथ्स की बुक है एनसीईआरटी की उसमें ये सवाल मिलेगा आपको एनसीईआरटी में एनसीईआरटी में शायद मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर सिक्स है न्यू वाली बुक में पुरानी वाली में नहीं न्यू वाली बुक में ये वन पॉइंट वन है और ओल्ड वाली बुक अगर आपके पास है तो वन पॉइंट टू में देखना मैथ्स की बुक में तो वहां पर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ये वाला एन में पर इतने नहीं मिलेंगे इसमें से कोई एक है मैंने ज्यादा ले लिया आपको समझाने के लिए बुक में केवल कितना सवाल है एक मैंने कितने ले लिए यहाँ पर चार एक दो तीन चार इन चारों नंबरों को पता करना है कि ये प्राइम है कि कंपोजिट है तो सबसे पहला नंबर जो है उसको देखते हैं हम लोग सबसे पहला जो नंबर है वो क्या है सेवन इंटू इलेवन इंटू थर्टीन प्लस थर्टीन तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना देखो ये एक पार्ट हुआ प्लस ये दूसरा पार्ट हुआ तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे इस वाले पार्ट में थर्टीन कॉमन है और यहां पर भी थर्टीन कॉमन है तो इस थर्टीन को उठा के हम क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे बाहर ले लिया अगर थर्टीन बाहर आ जाएगा बेटा तो अंदर क्या बचेगा अंदर बचेगा सेवन इंटू इलेवन सेवेंटी सेवन लिख दूं ये तो बाहर आ गया और ये बाहर आ गया तो क्या बचेगा वन अरे बचेगा और अगर आप इसको लिखोगे थर्टीन इंटू सेवनटी सेवन प्लस वन सेवेंटी एट तो मुझे एक बात बताओ इसका मल्टीप्लाई करने पर कुछ भी आंसर आए पर तुम्हें लग रहा है कि ये जो नंबर है इसके दो फैक्टर तो तुम्हें अभी दिख रहे हैं ये जो भी नंबर आएगा इसका मल्टीप्लाई करने पर एक आंसर आएगा तो ये जो आंसर ये थर्टीन से भी डिवाइड होगा और सेवनटी एट से भी होगा ये नंबर थर्टीन से डिवाइड हो जाएगा कितनी बार सेवेंटी एट टाइम और सेवेंटी एट से कितनी बार डिवाइड होगा थर्टीन टाइम क्योंकि इसमें थर्टीन भी और सेवनटी एट भी है तो इसका मतलब और एक तो भगवान होता है वो तो किसी को भी डिवाइड कर सकता है तो यहाँ पर हमें दिख रहे हैं कि इसके फैक्टर कितने हैं एक तो ये थर्टीन हो गया एक तो ये सेवेंटी एट हो गया और भगवान होता ही है ये टू से भी डिवाइड हो रहा है हो रहा है ना तो तुम चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लो कर लो मल्टीप्लाई देखो जरा कितना आया पक्का नाइन वन फोर अब आप देखोगे कि ये किससे किससे डिवाइड होता है तो भैया अगर आप चेक करोगे तो ये एक से डिवाइड होता है भगवान एक क्या ये दो से डिवाइड हो जाएगा क्यों क्योंकि आखिरी में इवन नंबर है क्या ये थर्टीन से डिवाइड हो जाएगा हो जाएगा क्योंकि थर्टीन का तो मल्टीप्लाई किया था हमने थर्टीन के टेबल में थर्टीन नहीं आएगा भाई थर्टीन का टेबल ही तो था ये तो ये करो या डायरेक्टली आप बोल दो कि सर देखो इसके फैक्टर दो तो हमें दिख रहे हैं और एक होता है मैं मल्टीप्लाई वन लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता तो टोटल फैक्टर हमें तीन यही दिख रहे हैं तो आप यहाँ पर लिख दोगे इट इज इट इज इट इज क्लियर दैट इट इज क्लियर दैट गिवन नंबर है गिवन जो नंबर हमें गिवन था गिवन नंबर है क्या मोर देन टू फैक्टर दो से ज़्यादा फैक्टर है इसको डिवाइड करने वाले दो से ज्यादा नंबर है इसलिए ये क्या होगा <coughs> कंपोजिट होगा नंबर है मोर देन तो नहीं आ रही भैया मोर देन टू फैक्टर आ भी रही हो तो बोर्ड की एग्जाम में बेटा थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा तो इट इज इट इज क्या कंपोजिट लिख लोगे इसलिए कंपोजिट नंबर है पहला कंपोजिट है ऐसे आप यहां पर भी करोगे ऐसे ही यहाँ पर भी ऐसे ही यहाँ पर भी तो अब मैं ये लिखूंगा नहीं पर समझा देता हूँ थोड़ा फटाफट ठीक है दूसरा है सेवन इलेवन ट्वेंटी सिक्स तो थर्टीन दूसरा सवाल क्या है सेवन इलेवन थर्टीन प्लस ट्वेंटी सिक्स यहाँ से देखो थर्टीन इसमें भी और थर्टीन के टेबल में ये भी आता है तो थर्टीन कॉमन लोगे फिर से आप तो यहाँ पर क्या बचेगा सेवन इन टू इलेवन ये तो गया बाहर और थर्टीन का टेबल बोलो ये कितना बचेगा टू जब इसको वापस ले जाओगे तो यहाँ थर्टीन आ जाएगा और इसको यहाँ वापस ले जाओ तो ये ट्वेंटी सिक्स हो जाएगा हाँ या ना अब आप देखोगे थर्टीन इन टू सेवेंटी सेवन प्लस टू सेवेंटी नाइन और एक तो भगवान होता है उसको मल्टी अगर इसमें मैं एक का मल्टीप्लाई कोई फर्क पड़ेगा क्या ये जो उत्तर है उसमें एक का मल्टीप्लाई कर तो उत्तर वही आएगा तो देखो तीन फैक्टर तो दिख ही रहे हैं एक दो तो इसका मतलब यहाँ भी क्या है मोर देन टू फैक्टर है ये जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी एक नंबर आएगा वो नंबर थर्टीन से भी डिवाइड होगा वो नंबर सेवेंटी नाइन से भी डिवाइड होगा और एक तो भगवान है भाई वो किसी को भी डिवाइड कर सकता है तो इसके फैक्टर कितने हो गए तीन हो गए और दो से ज्यादा अगर फैक्टर तो हम क्या बोलते हैं कंपोजिट तो ये नंबर भी आपका क्या हो गया बात समझ में आई अगला देखो इसमें क्या था और वन टू थ्री प्लस फाइव वन टू थ्री प्लस फाइव तो मैं यहां पर लिख रहा हूं वन इंटू टू इंटू थ्री प्लस फाइव क्या यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है तो फिर हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे थ्री टू जा सिक्स वन जा सिक्स प्लस आंसर कितना आया किससे डिवाइड होता है तो इसका मतलब इसके दो ही फैक्टर आ रहे हैं तो ये क्या हो गया दैट इज ये क्या हो गया इलेवन है सच देट सच देट मतलब कौन से वन एंड इलेवन और जिसके दो ही फैक्टर होते हैं वो क्या होता है प्राइम होता है तो ये प्राइम भी आ गया अब बात समझ में आई थोड़ी सी आपको ये सिंप्लीफाई करके ये पता करना है कि जो हमारा आंसर आएगा क्या वो आंसर दो ही नंबरों से डिवाइड होगा या कोई और भी है जो उसको उड़ा सकता है अगर वो खुद से और भगवान से डिवाइड हो तो तो वो प्राइम पर अगर इनके अलावा भी कोई है जो उसको डिवाइड कर सकता है तो क्या होगा कंपोजिट अगर आप एग्जाम में चीजें रट के जाओगे तो चीजें भूलोगे पर अगर आप समझ के जाओगे जैसे मान लो समझ में आ गया तो आपको रिकॉल करने की जरूरत नहीं है आपको याद रहेगा वो एग्जाम में प्रेशर लेके नहीं जाना एग्जाम में पर चीजें समझ के जाना पड़ेगा रटना थोड़ा सा कभी कभार बच्चे को लगता है कि सर इतना माथा बच्चे में क्यों करूं मैं दो मिनट में इसको रट लूंगा हाँ तो रट ले तीन दिन में भूल जाएगा बात सुन में आ रही है अगले तीन दिन में दूसरे रटना फिर तो बेसिकली एग्जाम टाइम तक तो तो तुम्हारे पास रटा हुआ थोड़ा सा ही रहेगा पर अगर समझ के करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको आएगी कुछ पल्ले पड़ी कहानी इसलिए थोड़ा पेशेंस बना के रखना हाव हल्ला मत करना चीज़ों को धीरे धीरे सीखना सफलता क्या मांगती है वक्त मांगती है सफलता वक्त मांगता है वो पिज्जा नहीं है कि बस कितने मिनट में डिलीवर होता है थर्टी मिनट में पिज्जा होता है ना थर्टी मिनट में डिलीवर देखो मैं बताता हूँ तुमको उसका एक आप सुन लो जब आ गई बात तो सफलता वक्त मांगती है बेटा म्यूजिक कहीं पर देख रहा है सफलता लिखा हुआ ये रहा पल्ले पड़ी कहानी सफलता तुम सोचो पहले दिन में सब खत्म हो जाना चाहिए टेम लगेगा चीज़ों में और रटने वाली कहानी में करवाऊंगा नहीं नहीं आए मुझसे दस बार पूछो मैं बताऊंगा मैं बताने के लिए ही बैठा हूँ कुछ पल्ले पड़ी कहानी नहीं पड़ी, पड़ी, कि फिर से एक बार सुनाऊ चलो ये हो गया हमारा अच्छा एक छूटा हुआ कर लो कि तुम खुद से या खुद से कर लोगे चलो अब यहां पर देखो फिर से वही वाला सवाल है पर ये पिछले साल जो अभी एग्जाम दिया ना दसवें वालों ने सीबीएसई वालों ने उसमें ये आया था अभी जो गया एग्जाम रिजल्ट नहीं आया उसका ये उसमें आ चुका है मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो यहां पर वही क्वेश्चन है फाइव इलेवन सेवनटीन और यहां पर थ्री इंटू इलेवन लिखा है फाइव इलेवन सेवनटीन प्लस थ्री इंटू इलेवन अब यहां पर एक पार्ट ये है और प्लस में एक पार्ट ये है कॉमन क्या रहा है यहाँ पर देखो यहाँ पर भी इलेवन है और तो इलेवन आप कॉमन ले लोगे और जहाँ कॉमन आया इसका मतलब पक्का पक्का वो कटेगा कहीं ना कहीं तो बचा क्या अंदर देखो जरा ये तो गया फाइव इन टू सेवनटीन अरे वन है भाई ये सेवनटीन है ना और इधर ये गया तो बचा क्या अरे इलेवन गया तो थ्री बचा ना तुमने तो रट लिया उसको वैसे वहां पर अकेला होता था ये और जब यहाँ कुछ नहीं होता था तो वन बचता था यहाँ थ्री है इसके साथ ये आया तो ये तो रहेगा ना वहाँ क्या कहता है यार नहीं समझ में आया बोले सर मेरे को बोर्ड पे दिख ही नहीं रहा मैं तो उसको देख रहा हूँ इसको देख रहे हो भाई चलो मल्टीप्लाई करो कितना आएगा तो 85 फाइव एटी फाइव प्लस थ्री अरे भैया ये फाइव प्लस थ्री एट्टी एट अब आप खुद ही सोचो ना भैया ये कुछ भी आया सर ये नंबर कुछ भी आए पर यह ग्यारह से डिवाइड हो रहा है एटी एट से डिवाइड हो रहा है ये एट से भी डिवाइड हो जाएगा ये टू से भी डिवाइड हो जाएगा ये फोर से भी डिवाइड मतलब बहुत सारे नंबर जो इसको डिवाइड कर सकते हैं तो यहां से हमें क्लियर हो गया एक और लिख लो यहाँ पर तीन तो दिख दिखी रहे हमको तीन तो दिख ही रहा है ठीक है तो यहाँ पर वही कहानी क्या लिखोगे यहाँ पर हियर क्लियर देट गिवन नंबर है या टू फैक्टर दो से ज्यादा फैक्टर हैं और दो से ज्यादा कितने हमको से मतलब नहीं है पर दो से ज्यादा हैं मतलब वो कंपोजिट अभी बात समझ में आ गई आपको कोई डाउट क्लियर है टेम कितना हो गया टाइम हो चुका है हालांकि अपनी क्लास दस मिनट लेट चालू हुई थी यहां पर देखोगे ये आपका एक सवाल है बहुत छोटा सा सवाल है और अच्छा सवाल है है ना कल मैंने आपको पढ़ाया था प्राइम नंबर और कंपोजिट आज भी पढ़ाया था मैंने प्राइम एक बार फिर से थोड़ी सी एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूंगा जहां मैंने प्राइम और कंपोजिट पढ़ाया था कहाँ गया है भाई प्राइम और कंपोजिट ये रहा मुझे एक बात बताओ ये सारे नंबर क्या हैं प्राइम है ये ऑड नंबर है कि इवन नंबर है ऑड है क्योंकि ये दो के टेबल में नहीं आता ये क्या है ये क्या है ये क्या है ये क्या है, ये क्या है? और आगे भी ऑड ही आएंगे तो प्राइम नंबर में केवल इकलौता एक नंबर ऐसा है जो इवन है कुछ बात समझ में आई प्राइम नंबर में इकलौता एक ऐसा नंबर है जो इवन है वो कौन है दो उसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर इवन हो ही नहीं सकता फिर वो ऑड होंगे और अगर वो इवन हुआ तो फिर प्राइम नहीं होगा अगर वो इवन हुआ तो फिर वो प्राइम नहीं होगा क्या होगा तो इसको हम कह सकते हैं ओनली इवन प्राइम नंबर क्या है ये एक सवाल आता है ओनली इवन प्राइम नंबर केवल इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है तो अगर आपसे कोई पूछ ले ओनली इवन प्राइम नंबर तो आप आंसर दोगे क्या टू एक बात और मुझे एक बात बताओ जैसे मैंने यहां पर एक नंबर लिया दो ठीक है और मैंने एक नंबर लिया छः तो आंसर क्या आएगा अरे एट आएगा तो समझने वाली बात क्या थी यहाँ पर ध्यान देना ये क्या था और था कि इवन था ईवन और ये क्या था तो आंसर भी क्या आया मतलब एक बात समझ में आई कि अगर मैं एक ईवन नंबर में एक ईवन नंबर जोड़ूंगा तो आंसर भी क्या आएगा ईवन ही आएगा अगर मुझे ये कह दूं कि भैया एक नंबर था ईवन उसमें मैंने कुछ जोड़ा पता नहीं क्या जोड़ा पर मेरा आंसर ईवन आया तो आप खुद ही समझ जाना कि ईवन तभी आएगा जब यहाँ पर क्या होगा ईवन में ईवन एट करने पर ही ईवन आएगा इतनी बात क्लियर है किसी को डाउट अगर कोई इवन नंबर है उसमें आपने कुछ जोड़ा क्या जोड़ा पता नहीं है पर आंसर इवन आया तो इसका मतलब ये पक्का हो गया कि ये जो जुड़ा हुआ नंबर ये भी इवन है कोई डाउट यहाँ तक चलो अब आप सवाल पर आओ यहाँ पर ये कह रहा है द सम ऑफ थ्री नंबर्स सीबीएसई वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है एम पी बोर्ड वालों के लिए नहीं है पर अगर एम पी बोर्ड में आप पढ़ रहे हो और आप इसको सीख रहे हो तो फ्यूचर में आप उनको ओवरटेक कर सकते हो जो आपकी क्लास के बच्चे हैं जो कम सीख रहे हैं नंबर तो आपके आ ही जाएंगे कहीं नहीं जाएंगे पर मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ ये मान के चलना आप सीबीएसई के हिसाब से एक जून से आपका बेच अलग कर देंगे फिर आपको एम बोर्ड का ही हिसाब से पढ़ाएंगे हाँ आप लोग में से कोई बच्चा चाह रहा है कि नहीं सर मुझे ज्यादा पढ़ना है तो आप सीबीएसई के बेच में बैठ जाओ तो आपकी बुक तो कवर होगी होगी वहां एक्स्ट्रा भी चीजें पढ़ाएंगे जैसे अभी मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ पहले पटे कहानी चलो तो बोला द सम ऑफ द थ्री प्राइम नंबर्स कौन से नंबर प्राइम कितने नंबर हैं तीन तो तीन प्राइम नंबर है हमें नहीं पता वो कौन से तो हमने लिख दिया लेट थ्री प्राइम नंबर आर थ्री प्राइम नंबर मतलब क्या जिसके केवल कितने फैक्टर होते हैं सो तो वाले नंबर ही होना चाहिए थ्री प्राइम नंबर क्या है उसने एक और बात बोली है उनका सम कितना है बेटा 100. तीनों प्राइम नंबर को जोड़ोगे तो कितना आएगा सौ आएगा इफ वन ऑफ देम एक्सिड अनादर बाय ट्वेंटी फोर वो कह रहा है कि तीन नंबरों में से एक नंबर दूसरे से चौबीस ज्यादा है एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा इफ वन नंबर एक नंबर मतलब पहले वाला नंबर यहां पर तीन नंबर में लिख देता हूं चलो ये पहला नंबर है ठीक है ये दूसरा नंबर है और ये तीसरा नंबर है, तीनों ही नंबर क्या है प्राइम नंबर है तीनों ही नंबर क्या है प्राइम तो वो कह रहा है कि वन पहला जो नंबर है वो दूसरे नंबर से क्या कर रहा है अनदर से दूसरे से कितना ज्यादा है चौबीस तो अगर मान लो कि ये वाला एक्स है तो ये वाला कितना होगा चौबीस ज्यादा होगा ट्वेंटी फोर होगा आ रही बात समझ में एक नंबर दूसरे से चौबीस ज्यादा है और तीसरा क्या है उसके बारे में हमें पता नहीं तो हमने तीसरे को लिख दिया भाई हो गए तीन नंबर यहाँ मैंने इसको एक्स वाई जेड क्यों नहीं लिखा क्योंकि मुझे दो नंबर में एक रिलेशन दिया था एक नंबर और दूसरे वाले में रिलेशन दिया था कि एक नंबर अगर एक होगा तो दूसरा उससे चोइस ज़्यादा होगा तो ये जो भी होगा उसमें चोइस जोड़ने पर यह दूसरा आ जाएगा और तीसरा हमें पता नहीं कैसे आएगा पर उसने एक बात बोली है कि तीनों का सम कितना है हंड्रेड मतलब अगर मैं इनको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार अगर हम देखें तो इन तीनों को जोड़ने पर एक्स प्लस एक्स प्लस ट्वेंटी फोर प्लस वाई तो आंसर कितना आना चाहिए ये उसने बोला है हाँ या ना अब आप देखोगे कि ये कितना हो गया बेटा टू एक्स ये ट्वेंटी फोर उधर जाएगा और यहाँ क्या बचेगा भाई ट्वेंटी फोर उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा तो सौ में से ट्वेंटी फोर उधर माइनस में जाएगा तो सौ में से ट्वेंटी फोर माइनस कर दो हंड्रेड माइनस ट्वेंटी फोर कर दो तो ये आ गया टू एक्स प्लस इक्वल टू सेवेंटी सिक्स अब मेरी बात सुनना जो मैंने आपको समझाया था पहले ही मैंने कहा था कि बेटा मुझे कोई बताओ ये ऑड नंबर है कि इवन नंबर है इवन है क्यों क्योंकि वो दो मल्टीप्लाई एक्स है और अगर दो के मल्टीप्लाई में कुछ भी लिखा है तो बेटा आंसर क्या आएगा टू का पहाड़ा हुआ ना ये तो अरे टू मल्टीप्लायक्स का मतलब टू का टेबल कितनी बार एक्स बार और जब वो टू का टेबल ही है तो वो तो इवन नंबर हुआ हाँ या ना तो ये वाला नंबर क्या है इवन और ये क्या है आदमियों टू से डिवाइड हो रहा है वो क्या है इवन है और मैंने आपको सिखाया था किसी इवन नंबर में कोई नंबर जोड़ें और इवन आए तो इसका मतलब पक्का पक्का ये वाला भी क्या है और बेटा ये भाई इवन है और भाई क्या है प्राइम भी है तो इवन प्राइम तो दुनिया में एक ही होता है तो इसका मतलब भाई दो है नहीं समझ में बात क्योंकि दूसरा कुछ होता ही नहीं है वहां पर नहीं समझ में बात तो सर यहां पर हमें क्लियर हो गया सर रहने तो ईवन ईवन और ये भी ईवन तो सर ओनली ईवन प्राइम नंबर कौन सा था देखो ये ईवन है और हमें पहले ही पता था कि ये क्या है तो ये वाला जो नंबर है भाई वो ईवन प्राइम है और इवन प्राइम दुनिया में केवल एक ही होता है और वो कौन है दो तो, आगे बात समझ में कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर तो ओनली ईवन प्राइम नंबर ओनली ईवन प्राइम नंबर वहां इक्वल टू क्या हो गया अब यहां पर आप टू लिख दोगे तो आंसर आपका क्या आएगा यहां पर लिख दू मैं इधर तो ये आ गया आपका टू एक्स प्लस टू इक्वल टू सेवेंटी सिक्स ये टू इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो यहां पर टू एक्स सेवनटी सिक्स में से टू माइनस होगा कितना आएगा दिस सेवनटी फोर दिस को उड़ाया तो एक्स इक्वल टू कितना आया थर्टी सेवन थर्टी सेवन प्राइम होता है थर्टी सेवन किसी से डिवाइड नहीं होता थर्टी सेवन किसी से डिवाइड तो एक प्राइम नंबर मिल गया हमको हमें कौन सा चाहिए इसने पूछा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर लार्जेस्ट बड़ा वाला तो क्या ये बड़ा वाला है एक्स नहीं इससे बड़ा ये है और ये तो दो है तो हमें कौन सा बताना है बड़े वाला ये बताना है आई बात समझ में तो एक नंबर हो गया थर्टी सेवन दूसरा क्या हो जाएगा तो यहां पर आप लिखोगे सर दूसरा नंबर है हमारा एक्स प्लस ट्वेंटी फोर तो एक्स कितना आया प्लस ट्वेंटी फोर तो आंसर कितना आएगा तो सिक्सटी वन देखो ये भी प्राइम है वन किसी से डिवाइड नहीं होता केवल किससे होता एक से और खुद से तो एक प्राइम नंबर कौन सा हो गया थर्टी सेवन दूसरा कौन सा हो गया टिस्टी वन और तीसरा कौन सा हो गया टू तीनों प्राइम नंबर है तीनों को जोड़ने पर सौ आएगा और एक इससे कितना ज्यादा है चौबीस ज्यादा है नहीं समझ में बात घर जाके छापना है इसको और नहीं आया तो मुझसे पूछना भी तो ये एक मैंने कर दिया है और ये घर से आप करके आओगे सेम क्वेश्चन से है बस डेटा बदला है ये मैंने बना दिया ये एग्जाम में आया था सी बी एस सी दो हजार बाईस में और ये आया नहीं है मैंने बना दिया है तो आप इसको करके आओगे कुछ क्लियर हुई बात है यहाँ तक अब मेरी बात ध्यान सुनना यहाँ आपको बैठ के शांति से पढ़ना है जितना मुझसे हो सकेगा मैं इंटरटेन करूँगा पर तुम अगर ये बोलो कि सर एक घंटे क्लास में मैं तो बो रहा हूँ नाचने वाला बुलाओ तो अपन नहीं बुला पाएंगे रामलीला में होता है ना बीच में नाचने वाला आ जाता है ऐसा हो यहाँ नहीं होगा कहानी समझ में आ गई क्लास रेगुलर रहना है जैसे कल कुछ बच्चे आए थे आज मान लो नहीं आए मतलब कल उनके लाले फिर पड़ेंगे आप कल आए थे आप कल नहीं आए आज आ, आ जाए तो आज आपके लाले थोड़े थोड़े पड़े होंगे तो क्लास रेगुलर रहो और ये दसवीं का ऐसी एग्जाम है जीवन की पहली बोर्ड की एग्जाम है आपकी इससे पहले बोर्ड एग्जाम दिया आपने कभी कब एट्थ बोर्ड कहाँ थी तेरी वो तो चीटिंग हुई थी बोर्ड तो इस साल ठीक ठाक हुई थोड़ी सी तो आप ये मान के चलो कि आपके जीवन की पहली बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो आप तो मेहनत एक बार बनती है और ये एक ऐसा रिजल्ट होगा आपका दसवीं का आप नाइन्थ में पास हुए कि फेल हुए नाइन्थ में कितने परसेंट बने एट्थ में कितने परसेंट बने आपके रिलेशन वाले कभी नहीं पूछेंगे पर यकीन मानिए जिस दिन दसवीं का रिजल्ट आएगा तो आपके मामा का मौसी का फूफा का सबका फोन आ जाएगा कि क्या हुआ इसका रिजल्ट का जरा भेजना जरा रोल नंबर दे तो मैं देख लेता हूँ नहीं तो, तो इसलिए तुम्हें अभी से मेहनत करनी है ताकि उस दिन अपने माता पिता या आप फोन लगाओ तो बता पाओ उनको कि हाँ मेरा रिजल्ट ये है तुमको देखना ये रोल नंबर ले लो तुमको शर्म ना आए उस दिन बस इतना ध्यान रखना तो पढ़ाई आज से शुरू करोगे तो आप बेहतर नंबर लाओगे इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ बस आपको बहुत अच्छा गणित में होने की जरूरत नहीं है बस रोज़ क्लास आना है बाकी मैं कर दूंगा अब तुम बीच में गोल मारोगे तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है मैं हाथ उठा लूंगा फिर वहां से क्लास रेगुलर रहोगे तो तुम कितने भी डफर हो तुमको टॉपर तक ले जाने गारंटी मेरी है ठीक है बाकी मैं आपको और सर्विसेज क्या दे रहा हूँ यहाँ पर आपको पूरा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप मुझसे वन टू वन डिस्कस कर सकते हो ये वाला जो वीडियो ये आपको अभी मिल जाएगा घर नहीं पहुंचोगे पहले वीडियो आ जाएगा ये मैं जो छाप रहा हूँ हाथ से यहाँ पर लिख रहा हूँ यहाँ आप नहीं लिख पाए तो घर आराम से लिखना ये पीडीएफ भेज रहा हूँ चैप्टर खत्म होने के बाद मैं एक प्रैक्टिस सीट दूंगा अलग से क्वेश्चन की जो आपकी बुक से हटके क्वेश्चन होंगे पर उनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो, तो तुम्हें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं होगी अगर वो आपको आने लगे मतलब आप एग्जाम में क्वेश्चन बदल के भी आ गया तो भी तुम उड़ा दोगे इतनी सर्विसेज यहाँ आपको अवेलेबल होगी ही नहीं संभव ही नहीं आपको सना में कि इतनी सर्विसेज दे दे कि भाई क्लास दे दी ये वाला वीडियो भी दे दिया घर जाकर तुम तीन बार देखते रहो किसी दिन बारिश ज़्यादा हो गई तबियत खराब हो गई क्लास नहीं आया तो क्या देख लिया वीडियो देख लिया और यकीन मानिए आप ऑफलाइन में पढ़े हो ना ये वीडियो देखने में आपको अच्छा लगेगा आप ऑफलाइन में नहीं हो और केवल वीडियो देख रहे हो तो भी चीज़ें कम समझ में आएगी इसकी स्पीड बढ़ा के देख सकते हो एक घंटे की क्लास को आप आधे घंटे में ख़त्म कर लेना क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है रिविज़न करना है बस आ रही बात समझ में तो आपका समय घर कम लगेगा ठीक है आपके कोई फ्रेंड्स तो हों तो उनको पर्सनली टच करना पर्सनली मतलब समझ में आ रहा है अपनी तरफ से पर्सनली बताना कि वहाँ ऐसा ऐसा है इसलिए वहाँ जाना चाहिए कारण बताना उनको वहाँ ऐसे पढ़ाते हैं और मैं जो पढ़ाता हूँ मैं केवल स्कूल वालों को नहीं मैं गवर्नमेंट जॉब वालों को भी पढ़ा रहा हूँ जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो आपने देखा होगा कहीं बीच बीच में मैंने कुछ ट्रिक्स बताई जिससे आपके आंसर जल्दी आते हैं बताया ना बीच में इलेवन का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं एक सौ एक में मल्टीप्लाई करना तो कैसे करेंगे नाइनटी नाइन में कैसे करेंगे तो अगर हर रोज आप यहाँ क्लास अटेंड कर रहे हो तो बीच बीच में मैं रोज ऐसे कुछ ना कुछ बताऊंगा साल भर में बहुत सारा कलेक्शन हो जाएगा आपके पास जिसमें आप ओर्ली आंसर दे रहे होंगे पहले पढ़े कहानी नहीं तो स्कूल में तो वही चलता है मल्टीप्लाई कोने में लिख निकले यहाँ डब्बा बना के और गुणा कर लिया मैडम ही वहाँ गुणा करने तो तुम तो करोगे ही करोगे नहीं समझ में आ रही बात ठीक है तो आपके साथ के जो मित्र हैं ना अगर वो जितना जल्दी क्लास ज्वाइन करेंगे उनके लिए उतना अच्छा है और वो जितना लेट ज्वाइन करेंगे उनके लिए उतना घाटा और मैं उतना परेशान होंगे क्योंकि मुझे रिविज़न करवाना पड़ेगा तो थोड़े से आपके अगर कुछ इष्ट मित्र हो लंगोटिया यार हों बचपन के दोस्त हों उनको बोलो कि भाई आप जल्दी ज्वाइन कर लो क्योंकि दसवीं बोर्ड है लेट करोगे तो आपका घाटा है और फीस तो उतनी ही लगनी है तुम चाहे डेढ़ महीने बाद भी आओगे आप आ जा रहे हो तो भी फीस उतनी देनी है डेढ़ महीने बाद आओगे तो भी उतनी है मैं फीस कोर्स की ले रहा हूँ तुम्हें तो मैं पूरा कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा ए टू जेड एक भी चीज़ छोड़ूंगा और दिसंबर पंद्रह से पहले कोर्स खत्म हो जाएगा मतलब जनवरी फरवरी आपका पूरा महीना फ्री रहेगा जिसमें आपके केवल टेस्ट हो रहे हैं यहाँ पर और आपके डाउट पढ़ा रहूँगा चैप्टर का रिवीजन करवा रूंगा फटाफट एक एक दिन में एक चैप्टर रिवाइज़ होंगे जब इतनी चीज़ें होगी तो रिजल्ट आएगा ही आएगा जाएगा कहाँ पर अभी हमारे साथ क्या होता है एग्जाम आगे सिलेबस ही नहीं हुआ अभी तो यहाँ टॉप कहाँ से करोगे भाई और मैडम ने वो भी कैसे पढ़ाया था बीच बीच में चैप्टर में चीज़ें छोड़ी हुई थी कि बेटा ये इंपॉर्टेंट है इसको छोड़ दो या एम ने इसको भी छोड़ दो ये भी नहीं दूंगी मैं एग्ज़ाम में क्योंकि मैडम पेपर बनाते थे पर अभी पेपर मैडम अभी मास्टर बनाएंगे बोर्ड वाले समझ में आ रही बात तो वहाँ आपको क्या पढ़ाया है उनको मालूम ही नहीं है इसलिए आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो पेपर में क्या देगा वो तुमको मालूम नहीं है हो सकता है कोई तुम्हें टीचर ऐसी लालच देगा अभी कि नहीं मैं आई एम पी क्वेश्चन निकाल के देता हूँ और आई एम पी में से आता है तो क्या तुम्हें आई एम पी ही पढ़ना है ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती और आई एम पी वही दे सकते हैं कि हम नहीं दे सकते पर हम ये लालच आपको देंगे तो आप पढ़ना बंद कर दोगे तुम्हें ये लगेगा लगे आखिरी में आखिरी महीने में आई पी पढ़ लेंगे अपन तो बेटा आई एम पी के भरोसे मत रहो फ्यूचर खराब हो जाएगा आपको चीज़ें डिटेल में सीखनी है क्योंकि नीट आई टी के एग्ज़ाम अगर फ्यूचर में देते हो सी डी एस के एग्ज़ाम देते हो सी ए बनते हो तो वहाँ पर आपको डिटेल में चीज़ें आनी चाहिए तो ही आप कुछ कर पाओगे ये मार्कसिट फोतरे उनसे कुछ नहीं होगा कि मार्क में मेरे नंबर लिखे आके बस नंबरों के साथ साथ तुम्हें एक्चुअल में भी आना चाहिए नहीं तो लटक जाओगे और तुम्हारे घर वाले तुम्हारे भरोसे बैठे हैं गर्ल ज़्यादा ध्यान देना तुम्हारे पास चार पाँच साल रहते हैं बस इसके बाद दसवीं के बाद उसके बाद मौका ही नहीं होता पढ़ने का तो तुम्हें जो भी करना है ये पाँच साल में ही करना है पाँच साल के बाद तो घर वाले लटका देंगे कहीं भी और आना गलत नहीं बोलना बुरा लगेगा और लगे तो लगे जब बुरा लगता है तभी आदमी इम्प्रूवमेंट करता है तो थोड़ा सा ये चीज़ का ध्यान देना कि समय बिल्कुल ख़राब मत करो आपका थोड़ा सा भी समय कहीं फालतू दे रहे हो टाइम पास करो बाहर खड़े होकर भी तो आप सोचो कि ये इतना टाइम में फालतू कर रहा हूँ मैं यहाँ कुछ काम कर सकता था या कुछ चीज़ें और पढ़ सकता था क्लास में यहाँ भी आप जैसे जल्दी आते हो दस मिनट बाहर रहते हो तो कहीं इधर बैठ गए यहाँ से डी ओ बैठ गए रिविज़न मान लिया दस मिनट में क्योंकि वो समय बहुत कीमती है आप नहीं पढ़ रहे हो इसका मतलब कोई और है जो पढ़ रहा होगा उस टाइम पर और वो पढ़ रहा होगा तो अगले साल पेपर में नाम उसका आ रहा होगा तुम्हारा क्यों आएगा भाई तुम तो टाइम पास करने में लगे थे ये लाइब्रेरी बैठे हैं बच्चे पढ़ते सुबह शाम तक जो पढ़ रहा है उसका नाम आएगा कभी ना कभी अब तुम तो क्या टाइम पास करने में लगे हो रील्स चला रहे हो रील चलाओ पर उसका समय अलग रखो थोड़ा सा ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल पढ़ने में घुस जाओ थोड़ा इंटरटेनमेंट होना ज़रूरी है जीवन में पर इतना इंटरटेनमेंट करो कि जीवन ख़राब हो जाए उसका भी ध्यान रखो समझ में आ रही बातें एलियन जैसी आवाज़ आती है कुछ भाषा समझ में आती है मेरी सैली अच्छी है भाषा की बोले सैली क्या होती है सर अब वो बताएँ आपको ठीक है चलो अभी के लिए क्लास ख़त्म करते हैं, कल क्लास फिर स्टार्ट करेंगे जो बच्चे नए हैं ऑफिस में अपनी जिम्मेदारी से वो नहीं बुलाएंगे आपको जाओ नंबर लिखवाओ ये पी वीडियो आपको भेज देंगे और अपने दोस्तों को थोड़ा मेरे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे प्रेशर नहीं है उनको बोलो पर्सनली आप कॉल करके मैसेज करके बोल सकते हो ठीक है